नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनेश कुमार दोषी और हाजिर हुआ हूं एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, इस चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको शुद्ध चांदी से बने हुए प्रोडक्ट डिलीवर करना, ताकि बाजार में शुद्ध मतलब जो कम शुद्धता के प्रोडक्ट आपको दिए जाते हैं उस नुकसान से भी बचाया जा सके। दोस्तों, इस वीडियो में मैं शेयर कर रहा हूं आपसे कुछ कास्टिंग छल्ले जो एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट के लिए पहने जाते हैं। अलग अलग मेटल से बनाए जाते हैं, जैसे शुद्ध चांदी से, शुद्ध कॉपर से, पीतल से, सोने के, तीन धातु के, पंच धातु के या अष्ट धातु के छल्ले बनाए जाते हैं एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट के लिए। तो एक बायर है जिन्होंने हमसे आज अलग अलग तरह के कास्टिंग छल्ले बनवाए हैं, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। वैसे तो आप मेरा चैनल देखते हैं तो आपको पता होगा कि कास्टिंग छल्ला किसे कहते हैं, लेकिन फिर भी जो नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बता देता हूँ। कास्टिंग छल्ला ऐसा छल्ला जिसे सांचे में ढाल कर ढलाई करके बनाया जाता है, जिसमें किसी भी तरह का कोई जोड़ नहीं होता है और मिट्टी के सांचे में ढलाई के माध्यम से सिंगल पीस बनाया जाता है, उसे कास्टिंग छल्ला कहते हैं, जो एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट के लिए पहना जाता है। तो आज मैं ऐसे छल्ले आपसे शेयर करूंगा, आप देखिएगा। दोस्तों, ये देखिए, सबसे पहले शुद्ध, माफी चाहूंगा, पीतल का ये कास्टिंग छल्ला है। इसके कलर से भी आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और मिरर फिनिशिंग इस पर किया हुआ है और बिल्कुल राउंड, एक्यूरेट राउंड बना हुआ, हाथों से बना हुआ। 5 mm इसका विड्थ है और थिकनेस है तकरीबन 1.5 mm। कॉपर से बना हुआ है कास्टिंग करके, और इसका वजन भी मैं आपको बता देता हूँ इसका, और इसका साइज है। दोस्तों, कई बार मुझसे पूछा जाता है फोन करके या व्हाट्सएप पे या कमेंट करके कि हम आपको अपनी उंगली का साइज कैसे दें। तो या तो आप मेरे राइट में जो आपको इमेज नजर आ रही है उस तरीके से अगर आप छल्ला पहनते हैं तो उसका डायमीटर आप मुझे भेज सकते हैं, या अपने नियरेस्ट सुनार पर विजिट कर लीजिए। हर सुनार के पास इस तरीके का रिंग स्टिक और इस तरीके का रिंगर होता है। ये स्टील से बना हुआ और ये स्टिक लोहे से बना हुआ। इस पर साइजेस लिखे हुए हैं, आप देखिएगा, मिनिमम साइज इसका 1 है, 1 से 36 तक के इस पे साइज लिखे हुए हैं। इसी तरीके से ये रिंगर है, इस पर भी 1 से लेकर 36 तक साइजेस हैं। आप देखिएगा, सबसे छोटा साइज, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर लार्जेस्ट साइज ये है। इस तरीके के साइज से आप अपनी उंगली का नाप चेक कर सकते हैं और आप मुझे वो दे सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे पीतल के छल्ले की। ये देखिए, इसका वजन मैं आपको बताता हूँ। इसका वजन है 6 g 90 mg और इसका साइज मैं आपको बताता हूँ। इस पे देखिएगा, इसका साइज आ रहा है ये 19 नंबर। तो इस तरीके से ये 19 नंबर का साइज हुआ। दूसरा छल्ला बना हुआ शुद्ध चांदी से बना हुआ है। ये आप देखिए, शुद्ध चांदी से बना हुआ एक कास्टिंग छल्ला है, बिल्कुल गोल शेप में, 5 mm इसकी चौड़ाई है और 2 mm ये जो साइज मैं आपको बता रहा हूँ, डायमेंशन ये अंदाजा हो सकता, अंदाजा है मेरा, मैंने एक्यूरेट नापा नहीं है, लेकिन अंदाजे से यही है कि 5 mm इसका विड्थ है और तकरीबन 1.5 से 2 mm इसका थिकनेस है। मिरर फिनिशिंग इसमें किया हुआ है और इसका वेट भी मैं आपको बता देता हूँ, 7 g 760 mg इसका वेट है। इसका साइज मैं आपको नाप के बता देता हूँ, ये साइज है 23। इस रिंगर पर इसका साइज आ रहा है, माफी चाहूंगा, ये रिंग स्टिक पे इसका साइज मैं चेक कर रहा हूँ तो 23 आ रहा है। इसी तरीके से तीसरे नंबर पर ये 2 3 धातु के छल्ले हैं। अमूमन हम जो 3 धातु के छल्ले बनाते हैं, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड को मेल्ट करके और उनको कास्ट करके बनाते हैं, लेकिन ये छल्ले कॉपर, सिल्वर और पीतल को मिलाकर बनाए गए हैं। इसमें 2 g शुद्ध कॉपर, 2 g शुद्ध सिल्वर और 2 g पीतल मिलाकर ये छल्ले बनाए गए हैं। इसे आप देखिएगा, थोड़ा सा पिलासपन इसमें जरूर है, लेकिन पीतल से थोड़ा कम पीलापन इसमें है, क्योंकि इसमें सिल्वर भी मिलाया गया, थोड़ा सा व्हाइटिश येलो और थोड़ा सा कॉपर कलर में इसका कलर आया है। और इसका जो साइज है, ये देखिए, 6 g 650 mg एक छल्ला है, 3 धातु का, दूसरा छल्ला है 6 g 500 mg। तो तकरीबन 2 g या 2 g 200 mg हर मेटल इसमें मिलाया गया है। और इसका साइज मैं आपको बता देता हूँ, रिंग स्टिक में डालकर इनका साइज है तकरीबन 18 और दूसरे का साइज है 14 नंबर। हालांकि पीतल को मिलाकर 3 धातु का छल्ला हमने भी पहली बार बनाया है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी तो हमने बनाई है। और शुद्ध कॉपर से बना हुआ छल्ला है, कास्टिंग छल्ला, नेपालिया कॉपर जिसे कहते हैं। इसका भी विड्थ है तकरीबन 5 mm और थिकनेस है 2 mm और इसका वजन है 7 g 790 mg। इसका साइज स्टिक में डालकर बता देता हूँ, इसका साइज है 12 नंबर इसका साइज है। तो दोस्तों, ये सभी कास्टेड छल्ले हैं, अलग अलग मेटल के बने हुए हैं और मिरर फिनिशिंग इसमें किया हुआ है, हाथों से बनाए हुए हैं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं ये भी क्लियर कर रहा हूँ कि किस तरीके से आपको नाप देना है मुझे। और पंच धातु का भी छल्ला बनता है, 3 धातु कॉपर, सिल्वर और गोल्ड मिलाकर भी छल्ला बनाया जाता है, अष्ट धातु का भी बनता है, अलग अलग एस्ट्रोलॉजिकल पर्पज़ के लिए ये बनवाए जाते हैं। तो आज एक ही बायर के ये 5
चल रहे थे जो आज हम रिलीज करने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और किस चीज़ के संबंध में आप जानकारी चाहते हैं वो भी हमें लिखकर बताइएगा। अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि इस तरीके के वीडियोस आपको मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।